Hey YouTube family, welcome to our channel शुप्रा की छोटी दुनिया। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे। तो आप लोग सोच रहे हो अरे आज स्वधा कहाँ बैठी है, तो आज मैं बैठी हूँ फ्लोर पे नीचे, क्योंकि मेरे साथ कुछ दिक्कत हो गई दोस्तों। जो मैंने ट्राईपॉड मंगाया था ना, वो ट्राईपॉड मेरा डैमेज निकला, और इसलिए मैंने सोचा कि अब एल्युमिनियम वाला नहीं, अब मैं अच्छा स्ट्रांग वाला ही एक ही बार मंगवाऊंगी ट्राईपॉड। इसलिए मैंने अभी टेबल पे ऐसा सेट करके रखा है ताकि आप लोग मुझे देख सको। देखा होगा आप लोगों ने मुझे कल वाले वीडियो में, पूरा चूड़ी पहनते हुए मैंने सोचा ज्यादा चूड़ी पहन लेती हूँ करके, अच्छा लगता है कभी कभी, है ना ऐसा। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन, और कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। अभी मुझे अपनी ओम नवी को भी कान्हा जी बनाना है, राधा जी भी बनाना है, और भी बहुत सारी चीजें। उससे पहले मैं सोचती हूँ ये सब प्रोग्राम करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो रक्षाबंधन है मेरे लिए पार्सल आया हुआ है राखी का, जो अमर ने मुझे भेजा, वो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या पार्सल आया है। यार थोड़ा सा ऐसे है क्या, अच्छे से नहीं दिख पा रहा क्या? हाय हाय के हाय लड़की, हाय के हाय। अब ठीक है यार दोस्तों, क्या बताऊँ, थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये उसने भेजा मेरे लिए टॉप, रुको मैं आप लोग अच्छे से दिखाती हूँ टॉप, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा मुझे वैसा लग रहा है ना, अच्छे से देखा। तो ये उसने भेजा है मेरे लिए टॉप, एक्चुअली था क्या था, उसने नहीं भेजा, उसने मेरे को बोला था कि ऑनलाइन तुम बता दो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो मुझे ये टॉप बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर, ये वाले ड्रेस का कोड उसको भेजा था। हाय हाय ये हाय ये लड़की लड़की ये हाय। तो ये है टॉप, और इसमें लिखते हैं, इसमें मैंने मंगवाया था जींस, उसने बोला जो तुम्हें ड्रेस अच्छा लगे वो मंगवा लो, पर सूट मेरा उतना यूज नहीं होता है वो। मैंने डैमेज जींस मंगवाया था बिकॉज आई लव डैमेज जींस। तो यस दिस इज माय जींस एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस, मैं जा रही हूँ इसको ट्राई करने, और उसके बाद मुझे जल्दी ट्राई करने के बाद मुझे ओम नवी को भी कान्हा जी बनाना है दोस्तों। वेट वेट अ सेकेंड, ये देखो ये है जीन्स मेरा, और ये है उसके ऊपर कच्चप। हाय ये हाय लड़की का हाय, थैंक यू अमर फॉर सेंडिंग दिस रक्षाबंधन गिफ्ट। मैं इसको चेक करूंगी क्योंकि अभी मोटी हूँ, पता नहीं कमर हो ना हो, पहले का साइज मैंने बताया, मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच अमर। और चलो दोस्तों ओम नवी रो रही है, मैं चलती हूँ थोड़ी देर ओम नवी के पास, आप लोगों को भी दिखाती हूँ चलो क्या कर रही है मेरी बेटी अकेले। मजा आ रहा है क्या, ओम नवी ड्रेस नहीं फेंकना है। ये हम लोग बनाते हैं ओम नवी के लिए कान्हा जी का सेट दोस्तों। तो यहाँ ये मैंने ले लिया है, ये एक्चुअली वैष्णो देवी का इस पर प्रसाद आया था जब बहुत शादी से पहले मैं गई थी तब, पर ये मुझे डोलची इतना पसंद था इसलिए मैं लेके आ गई इसको, और ये रोई रहा इसमें डाल के मैं इसके लिए बनाऊंगी कान्हा जी के लिए दही मक्खन। गमछे के थ्रू मैं बनाऊंगी अपने ओम नवी के लिए कपड़े। यहाँ मेरा दही हांडी तैयार हो चुका है। तो कुछ फोटोशूट तो मैंने ओम नवी को खचिया में बैठा के रखा था, बैठा के लिया था, और कुछ मैंने ऐसे बिस्तर पे इनके मुंह में रुई का मक्खन लगा के और वो फोटोशूट किया था। सारे फोटोशूट मेरे इंस्टा और फेसबुक पे भी मैंने अपलोड किया था, यूट्यूब पे बहुत जल्द करूँगी। उसके बाद जल्दी मैं निकल चुकी हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनाना है खाना आज स्पेशल कुछ। तो इस साइड मैंने रखा है क्या कहते हैं दो प्याजा लौकी का सब्जी मैं बना रही हूँ, पकौड़े सोची हूँ अगर इलेक्ट्रिसिटी आ गया और मिक्सी काम कर लिया तो पकौड़े बनाऊँगी। तो ये देखिए सब्जी की सीटी बस बोल रही है, सब्जी की सीटी बंद करूँगी उसके बाद एक साइड चढ़ाऊँगी पुलाव। और मैं आप लोग को बता दूँ ना कि एनडी आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं दो दिन से, तो आज आएंगे तो 12 बजे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे कान्हा जी का। और मैं भी अपने लिए ड्रेस अभी निकालूंगी कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। पहले मैं सोच रही हूँ ना कि हम लोग का खाना बना दे, जैसे मैं सोच रही हूँ आज पकौड़े बनाने के लिए आलू है और टमाटर का ही बना सकती हूँ, लौकी भी है लौकी का ही बना दूँगी, प्याज का बना दूँगी, और सब्जी बना दी है मैंने आप लोगों को पता ही, लौकी का दो प्याजा बनाया है मैंने। रुक जाओ तुम मेरे से बात करने दो, रुको रुको भाई। हाँ तो लौकी का दो प्याजा बना लिया है, पूड़ी सोची थी पर मुझे पूड़ी में बहुत डर लगता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं मैं कुछ जलने वलने का बहुत ज़्यादा डरता है मुझे ना, रोटी कोई कह देना 100 रोटी बनाने का तो मैं बना दूंगी पर मैं पूड़ी नहीं बना सकती हूँ। एक्चुअली लोग अपोजिट होते हैं, लोगों को पूड़ी ईजी लगता है पर मुझे बहुत डर लगता है वो आग वग से,
बना तो सकती हूँ। और दूसरी चीज़ इस एक और रीज़न से नहीं बना रही हूँ क्योंकि ना अभी क्या एंडी को ना बहुत ऑयली चीज़ पसंद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल ऑयल। अभी क्या कहते पकौड़े बना ही रही हूँ, फिर इसका दो प्याजा बना ही रही हूँ, तो पापड़ पर छानूंगी तो बहुत ऑयल ऑयल जाएगा, तो एक रोटी हो जाएगा करके। और एक चीज़ और क्या कहना था, हाँ उसके बाद मैं भगवान जी का भोग का फिर जब अपना सारा खाना जल्दी भी बना लूँगी ना, गैस बंद करके चलती रहूँगी, अपना सारा खाना जल्दी भी बना लूँगी ना, उसके बाद मैं गैस पर साफ करके फिर भगवान जी के लिए बनाऊंगी। भगवान जी के लिए मैं एक मैंने सोचा है कि कॉर्नफ्लेक्स और दूध कर दूंगी, एक मैं सोची हूँ खीर बनाने के लिए, और एक और आइटम सोची हूँ, क्या सोची थी देखो ना, दिखी ना दिमाग से, हाँ एक हलवा सोची थी, तो जितना मुझसे हो पाएगा क्योंकि ओम नवी को भी देखना ही है। देखिए फिलहाल अभी तो ओम नवी सोई हुई है, पूरे कपड़े वपड़े निकाल के सोई है मेरी बेटी, पता नहीं क्यों उनको बिना एसी के बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, अब एसी जैसी हुआ है, गर्मी होने लगी, गर्मी लगी तो क्या कहते हैं पूरा कपड़ा निकाल के ऊपर से मैं ब्लैंकेट रख दूँ, ब्लैंकेट इसलिए रख दूँ ना क्योंकि कीड़े वीड़े घूमते रहते हैं ना इसलिए। तो हाँ उसके भगवान जी के लिए सोची हूँ कि जितना पॉसिबल हो सकेगा बना लूँगी। उसके बाद कान्हा जी के मुझे अभी कपड़े धुलने हैं, सुबह मैं सोची थी कपड़े धुलने के लिए, हुआ ये कि मैं सोची थी कि एंडी से कपड़े मंगा लेंगे कान्हा जी का, कितने देर तक आएंगे, अब एंडी आएंगे रात के 10 बजे, अब पता नहीं तब तक दुकान खुला रहेगा नहीं। और अरुणाचल में ऐसा ना कि हर जगह नहीं मिलता है कान्हा जी और मतलब भगवान जी लोगों का कपड़ा, एक ही दुकान है ऐसा ईटानगर में वहीं पर मिलता है, तो वो भी इशू है। तो अब देखिए क्या होता है, हम लोग कैसे करते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मान लो दुकान खुला रहा नहीं खुला रहा करके, इससे सोचे फटाफट जाके अभी धुल वुल लूँगी कपड़े। और उसके बाद कान्हा जी को मुझे अच्छे से उनका फेस वॉश मैंने रखा अलग से, उसमें उससे मैं कान्हा जी को नहलाती हूँ। तो यहाँ पे नल तो नहीं है ऐसा वाला हैंडपंप वाला, पर हाँ बस वेसिंग में अच्छे से उनको फेस वॉश रख के उनको अच्छे से नहला देती हूँ हाथ में रखे, और उनका झूला बनाना है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा काम है, ऊपर से ओम नवी को अकेले देखना, अभी तो सो रही हूँ तो कोई बात नहीं, उठने पे तो मैं कर नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं सोचा जितना सोई है उतना मैं फटाफट फटाफट सारा काम से निपटा लूँ, एटलीस्ट अपने लोग का खाना बना के उसके बाद भोग भगवान जी का भोग तैयार करूँगी, उसके बाद मैं कुछ करूँगी, मुझे भी तैयार होना है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ, चूड़ी का सिस्टम ये है कि एक्चुअली मैं आज ग्रीन कलर का साड़ी सोची थी पहले, फिर साड़ी का ये हुआ कि साड़ी में थोड़ा इशू ये हो गया दोस्तों, मैं सच सच बता रही हूँ, मैं इस टाइम थोड़ी सी मोटी हो गई जिसकी वजह से मेरा ब्लाउज पुराने ब्लाउज मुझे हो नहीं रहे हैं, तो जो कि मैं ऐसा कोशिश करूँगी कि स्टिचेस ना खोलूँ, मैं उतनी पतली हो जाऊँ 6 मंथ, अभी 6 मंथ तक तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, बट डॉक्टर मेरे को रिकमेंड किए कि आप 6 मंथ तक कोई एक्सरसाइज मत करो, तो 6 मंथ होने के बाद ही मैं एक्सरसाइज जो भी योगा एक्सरसाइज जो भी जुम्बा वुम्बा करने वाली हूँ, जिम तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी जिम नो नॉट एट ऑल, तो अब वो करने वाली हूँ, बाल कैसे किया मैंने अपना, उसके बाद 6 मंथ बाद ही होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपने ब्लाउज के स्टिचेस ना खोलूँ और जिस वेट में थी मैं पहले वापस उस वेट में आ जाऊँ। ये क्या किस चीज़ का शेडो आ रहा है ये देख, अच्छा फ़ोन मेरी फ़ोन का आ रहा था, तो इसलिए ऐसा करके तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं कौन सा का ड्रेस पहनूँ। हाँ तो मैं बोल रही थी ना ग्रीन कलर का ड्रेस था, सूट था, तो मैंने सोचा मैं अपनी नहीं दिवाली में पहना था, मम्मी के पास गई थी तो मैंने सोचा उसी कलर की चूड़ी डालूंगी, अब ग्रीन चूड़ियाँ पहनी है, पर गाँव में ज़्यादा यहाँ पर सामान इसलिए नहीं लाते, बहुत कैसे मैं चंपी ऐसी दिख रही हूँ, हाँ मतलब ज़्यादा सामान मैं इसलिए नहीं लाती हूँ ना क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा मुझे चूड़ी उड़ी पहनना होता, एक दो कंगन डाल के भी चल जाता है ना, तो इसलिए ज़्यादा लाती भी नहीं हो, कितना रेंट के घर में कोई कितना सामान रखेगा है ना, इसलिए मेन बात ये, तो वही है। उसके बाद क्या कहते हैं कि तो इसलिए मैंने ये वाली चूड़ी डाल ली है, आप लोग सोच रहे हैं बात करते करते बीच में खुद को ही देख लगती है मैं कैसी दिख रही हूँ, बाल कैसा हो गया करके, चलिए मैं आप लोगों को सूट दिखाती हूँ मैं कौन सा सूट पहनने वाली हूँ, अभी ये ग्रीन वाला सूट आज जन्माष्टमी उस पर गोल्डन लगी और गोल्डन सिल्क की चुन्नी, और इसके साथ मैं डालूंगी यही झुमका बिकॉज थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा ना सूट को, सूट बहुत ज़्यादा हल्का सूट है, तो सूट को थोड़ा भारी करने के लिए मैं डालने वाली हूँ झुमका, अगर अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो फिर चेंज करके कोई गोल्ड वोल्ड का पहन लूँगी चलिए देखते हैं क्या पहनती हूँ मैं। पहले सोची थी ये पहनने के लिए पर ये इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है, अब मैं सोच रही हूँ अरे यार बहुत कीड़ा वीड़ा छोटा छोटा आ रहा है, डर लग रहा है ओम नवी की वजह से, तो मैं सोच रही हूँ ये वाला डाल लेती हूँ ना, ये ज़्यादा इस पर सूट कर रहा है, ये पति लेके आए थे मेरे लिए अच्छा लग रहा है यही जा रहा है इसके साथ, यस हो गया। मैं सोच रही हूँ चेन डालूँ या मंगलसूत्र, ये वाला चेन डालूँ या मंगलसूत्र डालूँ, और कड़ा ये डाल लेती है ना,
कोई नहीं, चलिए मैं आराम से जब लास्ट में तैयार हो जाऊंगी तब आप लोगों को पता चली जाएगा कि मैं क्या पहनूं। बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं करके। चलिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि लेट हो रहा है। बाय गाइस। खाना जी मैं आपको टहला देती हूँ। तो फाइनली डिनर रेडी हो चुका है। एंड वन फॉर मैंने रख दिया चपाती, इसमें बनाया ज़ीरा राइस, इसमें लौकी का दो प्याज है न्यूट्रीला डाल के, और कद्दूकस के ऊपर सब्जी मैंने बनाया है पत्ता गोभी का, ये देखिए आप लोग वो भी। मैंने दाल फ्राई राइस बनाया है ये रहा, और बनाया है मैंने नॉर्मल राइस भी इसमें। तो यहाँ मैं तो रेडी हो चुकी हूँ अपने इयर रिंग और नेक पीस पहन के। एंडी के फ्रेंड लोग, फ्रेंड क्या फैमिली जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा डिनर रेडी हो चुका है, और मैंने एक साइड रख दिया है ब्लैक टी, क्योंकि इन लोगों का मन था इस टाइम ब्लैक टी पीने का। भगवान जी का मैंने भोग बना दिया पूरा गैस पर साफ करके। यहाँ पे मैं आ गई हूँ भगवान जी को वस्त्र पहनाने के लिए। एंडी दो वस्त्र लेके आए थे, मैं सोची थी कौन सा पहनाऊँ, और यहाँ देखिए एक घंटा बाकी था 12 बजे में, तो दोनों बाप बेटी नींद कंप्लीट कर लिए, इतने क्यूट लग रहे थे दोनों। मैंने सोचा इस मूवमेंट को कैप्चर कर लूँ। मुझे देखिए एक कान्हा जी को मैं वस्त्र पहना रही हूँ, अब ये वाला वस्त्र पहनाऊँगी, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो मैं पहनाऊँगी गणपति जी को। पहले मैंने सोचा रेड वाला पहनाऊँ, पर फिर लगा नहीं इनका मोरपंखी भी इस कलर का होता है, तो इसलिए मैं ये बनाऊँगी करके, इसलिए मैंने ये वाला वस्त्र पहनाया। जब तक वो दोनों बाप बेटी सो रहे हैं 12 बजे तक, तब तक मैं कान्हा जी को अपने तैयार कर देती हूँ। दोस्तों मुकुट तो नहीं मिला कान्हा जी का नया, तो वही पुराने मुकुट को मैंने धुल के और वापस से वही मुकुट पहना दिया। और छोटी सी मोरपंखी पहली वाली, बड़ी वाली दो मोरपंखी लाए हैं, उसको मैंने मंदिर के किनारे किनारे साइड लगा दिए है। आप लोगों को दिखाऊंगी पूजा करते टाइम। देखिए ओम नवी को देखिए, उसी में सो रही हैं, उसी में रो रही हैं, क्या कर रही हैं पता नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ कान्हा जी प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, अब बस इनको ले चल के और मंदिर पे स्थापना करना है इनका। पुच्ची, पुच्छू पकड़ लिया आपको? मम्मा की पुच्ची को लगता है मम्मा का पुच्छू पकड़ लिया है। खेल रही है यार। सो गए आप दोनों लोग तो। गजब नोनू गजब। बड़ों की तरह सोइए एकदम। दोस्तों यहाँ पे हो रहा है 11:59 और ये हो गया 12। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। और ये कान्हा जी के भोग में मैंने बनाया था खीर। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी गाइस। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं बंद करती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड शिप्रा की छोटी दिन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस, लव यू।